हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि तुक्का कैसे लगाएं। एक्चुअली हम जब भी किसी एग्जाम में जाते हैं तो जितने क्वेश्चन हमें आते हैं वो तो हम कर देते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं जिसमें हमें आता नहीं होता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि उन क्वेश्चनों के आंसर कैसे दिए जाएँ और कैसे हम तुक्का लगाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप भी बिल्कुल करेक्ट तुक्का लगा सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब के आंसर आप कर लीजिएगा, और जैसे कि बच्चे बाकी क्वेश्चन, उन बाकी के क्वेश्चन में आप तुक्का लगाइए। सो हमारी टिप नंबर 1 है काउंटिंग करो। काउंटिंग करो से मेरा मतलब है हमारे क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। सो उनमें से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर ए होना होता है, और 25 ऐसे होते हैं जिनका बी होता है, और बाकी के 25 ऐसे होते हैं जिनका सी होता है, और बच्चे के 25 ऐसे होते हैं जिनका आंसर डी आना होता है। सो मान लीजिएगा आपने क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और जिनमें से आपने 25 ए को कर दिया, 25 बी को कर दिया, और बचे 25 सी को कर दिया, और आपके पास 25 क्वेश्चन बचे हैं, तो उन 25 क्वेश्चन पे आप बेझिझक डी लगा दीजिएगा। आपके तुक्का बिल्कुल लगभग ज़्यादा चांस है ठीक होने का, क्योंकि यही ऐसे जिन्हें आपने टिक नहीं किया था और 25 ही बचे थे, और जो भी कम भरा है, जितना भी आपने कम टिक कर रखा है बाकी बचे हुए उस पर टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर 95% सही होगा। सो ये थी हमारी टिप नंबर 1 की काउंटिंग करके अपना तुक्का लगा दो। सो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है स्मार्ट सिलेक्शन। जैसे कि जब भी हमारे क्वेश्चन आता है उसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से हमें पता होता है कि 2 तो ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल पता होता है ये तो बिल्कुल नहीं आने, बचे 2 उनमें हम कंफ्यूज रहते हैं। सो आप जब भी उन 2 में करेक्ट आंसर चुनने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात रखो कि आपके जब भी सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें अगर सी हो तो सी को ही टिक करो, वो बिल्कुल ही करेक्ट मिलेगा। जैसे कि ए या सी, बी या सी, या सी या डी ओ, ऐसे कोई आ गया तो उसमें आप सी को ही कलेक्ट करें, सी को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि सी ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सी होता है। और अगर मान लो आप जिन आंसर में कन्फ्यूजन हो उनमें सी आता ही नहीं हो, बी आता हो, तो आप बी को क्लिक करें, सिलेक्ट करें, क्योंकि बी ही मिलता है ज़्यादातर। अगर आपका ए और बी ओ, बी और डी ओ, तो आप बी को ही क्लिक करें, बी को सिलेक्ट करें, यही बिल्कुल ठीक मिलेगा। और अगर आपका बी भी नहीं आता हो और सिर्फ और ए और डी में कन्फ्यूजन हो, तो आप आंख बंद करके डी लगा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ए को बहुत ही कम देता है, क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले ही दे दूंगा तो मज़ा क्या है, तो इसलिए वो कन्फ्यूज करने के लिए ज़्यादातर सी, बी और डी का ही इस्तेमाल करता है। सो ये हमारी स्मार्ट ट्रिक थी जिसको यूज़ करके आप अपने ज़्यादातर तुक्के सही लगा सकते हैं। सो ये थी हमारी टिप नंबर 2। सो ये थे हमारे 2 टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल ही करेक्ट तुक्का लगा पाएंगे और अपने किसी भी एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए इसका रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमारी टिप थी कि काउंटिंग करो। काउंटिंग करो में आप देख लो जिस भी ऑप्शन को आपने बहुत कम बार टिक किया है, बिल्कुल ना बार टिक किया है, बाकी बचे क्वेश्चन को उसी ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा, आपका 90% चांस है वो सेम ही क्वेश्चन मिलेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे। और हमारा टिप नंबर 2 था स्मार्ट सिलेक्शन करो। जैसे कि आपको पता होगा 2 क्वेश्चन तो गलत होने हैं, बचे 2 क्वेश्चन, उन 2 क्वेश्चन में आप देखो अगर सी है तो सी को ही सिलेक्ट करो, और अगर सी नहीं है उसकी जगह बी है तो आप बी को टिक करो, अगर उसके बी भी नहीं है सिर्फ डी है तो आप डी को टिक करो, क्योंकि इन 3 में ही ज़्यादा मिलेगा। और कोशिश करो सबसे ज़्यादा अगर सी हो तो सी को ही करो, और सी नहीं हो, बी हो, तो बी को ही करो, और अगर दोनों नहीं हो तो जाके कहीं डी पे करो, तो आपका आंसर 95% है, बिल्कुल सही होगा। सो अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।